हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की दवा खुरची, मदर टिंचर के बारे में। तो खुरची को हम होलारहना चिनोमोर्फा या होलारहना चिनोमोर्फा एंटी डिसेंट्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा आपको नाम ही से पता चल रहा है, डिसेंट्री के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, होलारहना एंटी डिसेंट्रिका या चिनोमोर्फा एंटी डिसेंट्रिका या खुरची मदर टिंचर। तो दोस्तों, ये जो हमारी दवा है खुरची, ये डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करती है, समर डायरिया में बहुत अच्छा काम करती है। और आईबीएस एक कंडीशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया है, और अगर आईबीएस में ब्लीडिंग हो रही हो, पेन पर रेक्टम या एनल रीजन में पेन हो रहा हो, साथ में ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लीडिंग पाइल्स हो, तो ऐसे में भी जो खुरची मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो खुरची एक बहुत छोटी मेडिसिन है जिसका स्पेसिफिक यूज़ है। और एक मैं केस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो जब मैं अपने इंटर्नशिप के टाइम में थी तो आईपीडी में एक पेशेंट एडमिट हुए थे और जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया का खाली सिम्टम आ रहा था, और जितनी मेडिसिन्स हैं उनको दिया गया डायरिया के लिए, क्रोटॉन टेक, वेराट्रम एल्बम, एलोज, किसी से भी उनको रिलीफ हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली खुरची मदर टिंचर की दो डोजेस के बाद ही वॉज मच बेटर। तो खुरची का यही मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि कोई भी दवा डिसेंट्री में या पेचिस में अगर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है तो ये एक दवा है जो कि डेफिनेटली डायरिया को कंट्रोल कर सकती है, डायरिया को अरेस्ट कर सकती है। इसके साथ साथ और क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं खुरची के, तो ये हम देखते हैं कि एक बहुत बेनिफिशियल दवा है डिसेंट्री में, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना ज़्यादा डिसेंट्री हो रहा है तो फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और भूख बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख बिल्कुल मर जाती है। यानी इतने मोशंस इतने हो रहे हैं बट पेशेंट को खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हमें इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आपका नेवल है या जो नाभि है, नाभि के चारों ओर एक बड़ा ट्विस्टिंग सा पेन होता है, सबसे जैसे मरोड़ जैसा पेन आता है, और बहुत ज़्यादा गैस भी बन जाता है, गैस रिलीफ होने से थोड़ा सा पेशेंट बेटर फील करता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे पेन जो है, जैसे मोशंस हो गए या मोशंस के साथ साथ कभी कभी म्यूकस, ब्लड ये सब निकलता है, तो उसके बाद पेन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। राइट साइड में तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है, पेशेंट को हमेशा वो बोलेगा कि राइट साइड में मुझे दर्द हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पर एक ऐठन जैसा फील हो रहा है, तो राइट साइड में इसको सिम्टम सबसे ज़्यादा फील होता है, तकलीफ सबसे ज़्यादा फील होता है। कई बार ऐसे राइट जब वॉशरूम से आएगा तो राइट साइड में हाथ रख कर आएगा कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, म्यूकस या ब्लड वगैरह निकलना। अगेन आईबीएस में हमें देखने को मिलता है कि म्यूकस निकलता है, ब्लड निकलता है, तो इसीलिए आईबीएस में भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, खुरची में कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है और गैस रिलीफ होने से बेटर फील होता है, तो गैस ज़्यादा नहीं बने इसमें भी मदद करती है, और जो गैस बनी हुई है वो एस्केप हो जाए, वो निकल जाए, ताकि पेट में जो ट्विस्टिंग या मड़ोड़ की फीलिंग है वो नहीं रहे। तो ऐसे में भी जो खुरची मदर टिंचर है इसको आप दे सकते हैं। ये एक एंटी एमिबिसाइड मेडिसिन है या एक एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है, यानी कि अगर आपको पैरासाइट की प्रॉब्लम है, पेट में कीड़े हो गए हैं, तो पैरासाइट्स के लिए भी इसको दी जा सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर जिसमें आईबीएस मुख्य रूप से, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है मोशंस के साथ साथ ब्लीडिंग को रोकने में मदद कर सकती है, अगर मोशंस बार बार होने के कारण आपको
पाइल्स बन गए, हेमरॉइड्स बन गए, तो भी खुरची मेडिसिन को आप दे सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो दोस्तों खुरची को मदर टिंचर फॉर्म में लगभग 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार करके इसको दे सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 1-1 घंटे में भी 2-3 डोज दे सकते हैं ताकि जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ हो जाए और जो बहुत ज़्यादा डायरिया, लूज मोशन, पेचेस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों ये थी इंडिकेशन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिंस खुरची या होलारहेना या चिनोमोर्फा एंटी डिसेंट्रिका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।